हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, अगर आपने भी क्लास 10th या क्लास 12th के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट या ऑप्शनल एग्जाम में पार्टिसिपेट किया होगा तो हो सकता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो सकता है बहुत ख़राब हुआ हो, या हो सकता है आपका एवरेज में हो और आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों के कमेंट लगातार मिल रहे हैं। मैसेज करके बच्चे पूछ रहे हैं, ईमेल करके पूछ रहे हैं, कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो बच्चों, मैं इंडिविजुअली सबको तो एक ही रिप्लाई दे नहीं सकता क्योंकि अलग अलग मैं दूंगा तो इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं और इतने ज़्यादा बच्चों को मैं अलग अलग रिप्लाई नहीं दे सकता, चाहे कमेंट हो या ईमेल बच्चे कर रहे हैं, बच्चे व्हाट्सएप पे या बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमको संपर्क कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। ऐसे बच्चे खास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स के हैं या मैथमेटिक्स के बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th या क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया है और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमने इतना लिखा है या मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ या मैंने इतना सारा लिख दिया है, अपनी कंडीशन बताते फिर पूछते सर मेरा क्या होगा, मैं पास हो पाऊँगा या फेल हो जाऊँगा। तो बच्चों, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो। मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये गारंटीड नहीं है लेकिन ज़्यादातर रिजल्ट इसी के आसपास आता है जो मैं बता रहा हूँ। अगर एक एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी में तीन चीज़ें देखता है। पहली, कि आपने आंसर कितना अच्छे से लिखा है, मतलब कंटेंट आपका सही है या गलत है, सबसे पहले तो ये देखता है। दूसरा, ये देखता है कि आपके क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का, आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। और तीसरे नंबर पर आपके हैंडराइटिंग और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको देखी जाती है कि प्रॉपर तरीके से आपने दिया डायग्राम बनाया या आपने आंसर को कितना हाईलाइट किया। आपके क्वेश्चन के आंसर को पढ़ करके हमें कैसा लगा, मतलब ईजिली हमने चेक कर लिया या कठिनाई से चेक किया, तो इस आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठा लो तो आप समझ सकते हो कि आप पास हो जाओगे कि फेल हो जाओगे। कैसे समझना है मैं समझा रहा हूँ। अगर आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का रहा हो, जैसे मैथ्स का रहा हो या कुछ बच्चों ने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया हो, तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर 80 का है तो 26 मिनिमम पाना है। वैसे 27 सेफ है, 26 पर भी आप पास हो जाते हो, लेकिन आप कैसे पता करोगे? 26 कम से कम होना चाहिए। अगर आपका 70 का एग्ज़ाम हुआ हो तो 70 में से आपको मिनिमम, मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 23 चाहिए। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है तो 80 में से, मतलब 100 में से 33 चाहिए। 33 में से आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जोड़ेंगे प्लस जितना चाहिए 33 पूरा करने के लिए उतने मार्क्स आपको थ्योरी में चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 20 में से 20 इंटरनल में मिल गया है तो 13 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए आपके थ्योरी के एग्ज़ाम में। तो अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए और ये चेक कीजिए कि आपने कितना सही किया है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। अगर आप अभी क्लास 11 12th में पढ़ रहे हो और IIT JEE 2022 के एस्पिरेंट हो, और या फिर आपने इस साल JEE का एग्जाम दिया है और आप वापस से JEE 2022 अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मेरे पास आप सबके लिए काफी अच्छी न्यूज है। अभी तक अगर आप मेरा कोड GEE यूज करते थे तो आपको 10% ऑफ तो मिलता ही था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, लेकिन अनअकैडमी राइज अगेन स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 17 सितंबर तक ही वैलिड है। इस सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ये बैचेस स्पेशली JEE 2022 को प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर के लॉन्च किए गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। 15 सितंबर से शुरू होने वाली साइन टू, स्पार्क 2 और एक्सेल बैचेस जो कि JEE मेन और एडवांस के लिए शुरू हो रही हैं। 22 सितंबर से शुरू हो रही है राइज 2 और एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स। ये सब क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के JEE मेंस और एडवांस के लिए शुरू हो रही हैं। तो बच्चों, ये सारे बैचेस में अगर आप एनरोल करके नीचे दिए हुए बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, साथ में इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्स, कोर्सेज एंड PDFs। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप IIT JEE 2022 के एस्पिरेंट हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता है। सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, आपको मेरे दिए हुए कोड को यूज करना है और इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 10th और 12th के बच्चे हो, आप मैथमेटिक्स का आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको 26 चाहिए, तो क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसमें से क्वेश्चन पेपर में से ये मिलाओ कि कितना तुम सही करके आए हो। अगर एक एक नंबर का है तो तुम्हें कंफर्म हो जाएगा, कहीं से मिला लो। बहुत सारे आंसर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च कर लो, वही क्वेश्चन लिख करके डालोगे गूगल में, उसका आंसर आ जाएगा। तो देख लो और टिक लगा लो कि इतने नंबर का है। अगर तुम 18 प्लस पहुँच रहे हो, 26 का आपको चाहिए 26 मिनिमम, तुम अगर 18 प्लस पहुंच रहे हो, 18 या उससे ज़्यादा नंबर आपको मिल रहे हैं, उसके बावजूद आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कुछ ना कुछ आपने लिखा है सब में और कॉपी भर के आए हो, तो उम्मीद रखो कि तुम पास हो जाओगे। अगर तुमने इससे कम किया है और क्वेश्चन छोड़ करके भी आए हो तो उम्मीद कम है लेकिन है, उम्मीद कम है लेकिन है। ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर कैसा है जिसको कॉपी चेक करने को मिली है, क्योंकि अगर कोई आपको ज़्यादा नंबर देगा ना तो आप ऑब्जेक्शन करने नहीं जाओगे। तो
अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप 18 प्लस लिख करके आए हो 26 पासिंग में, तो आपके चांसेस अच्छे खासे हैं, बशर्ते आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अब अगर आपका 70 का पेपर था और 70 में आपने 15 प्लस किया है, समझ लो 70 में आपने 15 सही किया है, उसके बाद में भी आपने क्वेश्चन पेपर को सारा सॉल्व किया है, क्या लिखा है ये आपको भी नहीं पता है या आप ढंग से नहीं समझ पा रहे हो, उस कंडीशन में आपके पास होने की संभावना बहुत अच्छी है। हमारे पास में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है इन बच्चों का, हमारे पास में तो सपोर्ट ग्रुप से ऐसे ही बच्चे जुड़े हुए हैं जो कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट वाले बच्चे थे, और ऐसे बच्चों का हमारे पास में अच्छा खासा डेटा है। अब ये बच्चे जो हमारे साथ में जुड़ते हैं, इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो बच्चे एक नंबर से फेल हुए हैं, दो नंबर से फेल हुए हैं। तो बच्चों होता क्या है, जो बच्चे एक या दो नंबर से फेल हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा इस पर भी बता दूँ। मान लिया आपको 23 लाना है और आप 15 नंबर पाए, 16 नंबर पाए, अब एग्जामिनर चाह रहा है कि आपको हम पास कर दें, खींच खांच के वो नंबर देना शुरू किया। अब जहाँ जहाँ वो नंबर दे सकता था किसी तरीके से उसने नंबर दिया, और आप 22 पे पहुँच गया, 21 पे पहुँच गए, अब उसके लिए पेन रखने की जगह नहीं है कि वो एक नंबर या दो नंबर कहाँ दे दे, तो वो बेचारा बाप ही की कॉपी पे तो लटका नहीं रहेगा, ना अपने हाथ से आंसर लिखेगा, तो वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। आपको लगता है हमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिला या हमें एग्जामिनर ने पास नहीं किया, हर एक एग्जामिनर आपको कोशिश करता है कि नंबर ठीक ठाक दे। अब अगर आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो या आपने मैक्सिमम खींच खांच करके एग्जामिनर वहाँ तक पहुँचा, हमारे पास में ऐसे भी मार्कशीट हैं जिसमें बच्चा 25 पाया है, एक नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। तो बच्चों एक नंबर नहीं पाया वो ग्रेस मार्क्स नहीं मिल पाया, अगर ग्रेस मार्क्स CBSE कंपलसरी तरीके से आपको दे दे तो आप पास हो जाओगे। तो बच्चों अगर 18 प्लस या 15 प्लस आप करके आए हो 80 या 70 के पेपर में तो आप पास हो। क्लास 10th वालों की तो मैं बात पहले ही बता चुका, अगर आपने 20 में से 20 आपको मिला है और 13 मार्क्स चाहिए, और अगर इस 13 में से आप 8 या 9 नंबर भी सही करके आए हो, तो पास होने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप पास हो रहे हो तो याद रखो आपको 11th में या तो एडमिशन लेना होगा या आपको किसी कॉलेज में या कहीं और एडमिशन लेना होगा, उसकी बात चलाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। जब तक आपका रिजल्ट आएगा 15 दिन लग जाएगा, और उस 15 दिन में तो अच्छा खासा डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा तो हो सकता है उस टाइम पर आपको वहाँ पे एडमिशन ना मिल पाए जहाँ पर आप एडमिशन चाह रहे हो। तो हमारा सुझाव यही है कि एक बार मिला लो और एडमिशन की बात चलाओ कि सर मुझे एडमिशन लेना है, यहाँ पर क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ीस कितनी है, और उनसे कह दो एक सीट हमारी पक्की कर लो, 2-3 दिन डॉक्यूमेंट के लिए टाइम ले लो, और ऐसे ऐसे करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट आ जाएगी। डिजी लॉकर का अकाउंट भी पहले से रेडी रखो, अगर पहले से आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना होगा तुरंत मैसेज आएगा कि आपके डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट भेज दी गई है, और फटाक से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे तो भी आपको काम करना है, क्या आपको अगले टर्म की तैयारी शुरू कर देनी है। रिजल्ट के 10-15 दिन के अंदर आपका एक फॉर्म आएगा और उसमें आपको फॉर्म भरवाया जाएगा, और टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा होगी, आपके आधे आधे सिलेबस आएंगे, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप फेल हो रहे हो गारंटी के साथ में, तो अपने मन से तो झूठ मत बोलिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर आ चुका है CBSE की वेबसाइट पर, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको देख लीजिए, और बहुत जल्दी नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना है, उसी में इतना बढ़िया नंबर ले आइए, 2 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि पहली बार में ही पासिंग मार्क्स के बराबर नंबर ले आइए, तो सेकंड टर्म अगर आपका गड़बड़ भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फर्स्ट टर्म गड़बड़ होता है तो सेकंड टर्म में बढ़िया मेहनत करके उसमें भी नंबर ले आइए, तो इस बार पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो अगर आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो एडमिशन की बात कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 10th में हो 11th में एडमिशन आपको लेना है तो 11th का भी आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा, CBSE करवाएगी, आपको पता है, तो उसके लिए भी आपको कम टाइम मिलेगा, तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप फेल हो रहे हैं तो नेक्स्ट टर्न की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यों बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करोगे ना, 1-2 महीने 3 महीने वेस्ट कर दिया, तो फिर आपके लिए टर्म 1 एक बोझ बन जाएगा। तो ये काम करो। ग्रेस मार्क्स के लिए बहुत से बच्चे करें सर आप आगे आइए, मैं क्या आ गया हूँ बच्चों, मैंने रिप्रेजेंटेशन भेज दिया, मैंने ईमेल कर दिया सबको, मैंने सबको टैग कर दिया, ट्विटर पे भेज दिया, मैंने मैसेज तक कर दिया है अपने जो हमारे चाहने वाले हैं बच्चों को कि बच्चों ये वाला मैसेज देख लो और इसको फॉरवर्ड करो अपने बच्चों को, और ये लिंक है और इस लिंक पर जा करके रिप्रेजेंट
प्रेजेंटेशन वगैरह देख करके उनको भेज दो। बच्चों जब आपकी मांग पहुंचेगी ना तो उसका असर पड़ेगा, आपके गार्जियंस की मांग पहुंचेगी उसका असर पड़ेगा, एक टीचर की मांग का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं असर पड़ेगा? वो सोच रहे होंगे पता नहीं ये यूट्यूब चैनल वाले हैं, ये है वो है। अब तुम मेरे साथ भी अगर जुड़े होते ना 10-20 हज़ार की संख्या में कि मैंने एक ट्वीट किया और तुम 4 हज़ार लोगों ने इसको रीट्वीट कर दिया या 5 हज़ार 3 हज़ार लोगों ने रीट्वीट कर दिया या उसको क्या किया उसी को टैग उसी हैशटैग को आपने फॉलो कर लिया तो फिर कोई बात बनती बेटा। 2-4-10 लोगों के उससे बात नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रीजनल ऑफिस होकर के आया हूँ और मैं जल्द ही जाने वाला हूँ दिल्ली की भी हेड ऑफिस में भी हम बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी बात वहाँ तक हो जाए किसी से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और उसका प्रूफ मैं आपको अब दिखा दूँगा कि मैंने ये काम किया है। बहरहाल अगर आप अच्छी खासी संख्या में हमारे साथ जुड़ोगे तो मैं अभी भी आपकी बात को इन सब माध्यमों से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि हमारे पास में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लेकिन उस स्ट्रेंथ को दिखना भी तो चाहिए, उन बच्चों को एक्टिव भी होना चाहिए। बच्चों को जोड़िए, बच्चों को लाइए और अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए। मैं आपके साथ में खड़ा हूँ बच्चों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।